नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे बिग बॉस की मराठी के बारे में। तो बिग बॉस मराठी में एपिसोड में क्या क्या हुआ था, और आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बिल्कुल बिग बॉस जो हिंदी आती है उसकी तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, लाइक वो एक घंटे का आता था, ये डेढ़ घंटे का आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रूल बनाई गई है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लाइक लड़के और लड़कियाँ अलग अलग सोने वाले हैं, अलग अलग उनके बेड है, कैप्टन का रूम अलग है, राशन में चिकन भी आ रहा है जो कि कभी भी वहाँ पे नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब बताते हो कि आज क्या हुआ। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा कि कंटेस्टेंट की एंट्री हुई थी कल के एपिसोड में, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट दे दिया था। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि जब एंट्री हुई है उसके बाद बिग बॉस ने किस तरह से सबको रूल समझाए हैं, कैसे यहाँ पे रहना है, कैसे रूल का पालन करना है, उनको सिर्फ मराठी में ही बात करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई है आज, और बहुत सारी गॉसिप भी हुई है। मतलब पहले दिन में एंट्री करते ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहस स्टार्ट हो गया है, एक दूसरे की बुराई स्टार्ट हो गई है। तो ये है बिग बॉस, और ये तो आपको पता है कि बिग बॉस हो और लड़ाई ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बातें करते हैं कि आज जब बातें हुई, सब रूल समझा दिए गए, सब जब सोने गए, अपने अपने बेड डिसाइड कर लिए, तो आरती के कहीं ना कहीं खड़ाटे की आवाज से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, और उषा ताई जो कि उसके साथ बेड शेयर कर रहे थे उनको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। इन लोगों ने एक और चीज डिसाइड किया, वो डिसाइड किया कि वॉशरूम, क्योंकि हाइजीन उनको चाहिए, तो गर्ल्स और बॉयज के जो भी वॉशरूम होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि वहां पे दो वॉशरूम थे, तो एक गर्ल्स यूज करेगी और एक बॉय यूज करेगा। और उसमें भी अगर उसमें एक ने बोला कि यार अगर कभी इमरजेंसी ऐसा पड़ा, तो उस बात पे भी बहस हो रही थी। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी वहां पे, इतने सारे गॉसिप हो रही थी। वही दूसरे दिन जैसे ही हुआ, उसने दिखाया गया कि मेघा पॉलिटिक्स उसने स्टार्ट कर दिया। उसने स्मिता को बताया कि आरती से थोड़ा बच के रहो, आरती से डिस्टेंस बना के रहो, क्योंकि वो बहुत अजीब सी है, वो बहुत रुला देगी, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो गॉसिप गॉसिप गॉसिप, एक दूसरे की बुराई स्टार्ट हो चुकी है, गेम खेलना स्टार्ट हो गया है। यही है बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस हो और किचन की लड़ाइयाँ ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही राशन आया किचन में, मैं किचन में रहूँगी, मैं किचन में रहूँगा, मैं किचन में रहूँगा, ऐसी बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई। रेशमा तो किचन में किसी को घुसने ही नहीं दे रही थी, और यही कहीं ना कहीं ये बात स्मिता को बहुत ही ज्यादा बुरी लग गई है। तो वो सबको जाके ये चीजें बोल रही थी, मेघा भी सबको कहीं ना कहीं एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ सबको भड़का रही थी। पहले दिन इतनी सारी गॉसिप तो कहीं नहीं हुई थी, ये सारी चीजें। अच्छा, उसने कहीं ने एक और बहुत ही फनी सा क्वेश्चन पूछा स्मिता से, वो क्योंकि वो एक हील वाला सैंडल पहना था उसने, और उसने पूछा ये स्लीपर है या चप्पल है। तो कोई उनको जाके बताओ कि स्लीपर और चप्पल एक ही होता है, जो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम बातें करते हैं नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन में क्या क्या होगा। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आरती, उषा ताई और रेशम, ये तीन लोग मिल के सबकी बुराइयां कर रहे थे, जिसमें से सबके नाम रख रहे थे, लड़कियों के नाम रख रहे थे, कैटरीना, प्रियंका, स्पर्या, ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे थे यहाँ पे। अब बातें करते हैं हम नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन की जैसी बातें है, सब लोग अनिल के पीछे, ऐसा लगा अनिल तो विनीत के पीछे हाथ धो के पड़ गए, ऋतुजा के भी पीछे पड़े, लेकिन क्योंकि वो नई थी, क्योंकि वो नई है इसलिए उसे ऐसे बनाया जा रहा है। और बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनली अनिल, साई, स्मिता और विनीत नॉमिनेट हो। विनीत मुझे बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग गया और मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, पर बिग बॉस ने सीधे सडन से चेंज किया और बिग बॉस ने सीधे बोला कि आप चारों गार्डन में आइए, आपके लिए कुछ रखा हुआ है, आप बजर बजाओगे और ऊपर से जब वो आएगा उसमें जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जिसमें से अनिल के लिए जो आया वो था कि वो नॉमिनेटेड है, साई के लिए आया कि वो सेफ है, स्मिता के लिए ब्लैंक आया और ब्लैंक का मतलब वो बाद में बताएंगे। उसी बीच में विनीत कैप्टन भी बन गए, और विनीत के लिए क्योंकि वो लिस्ट में लिखा हुआ था वो कैप्टन है।
कैप्टन बनते ही सारे घर वाले जो एक तरफ थे कि उनको नॉमिनेट करने में लगे हुए थे, वही पूरे घर वालों का रंग बदल गया और पूरे घर वाले एकदम उनके आगे पीछे कर रहे थे। फिर सब उनको कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि अब काम बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करना, अब सब ऐसे करना, सब बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब इन सबके बीच में कैप्टन के रूम अलग दिया गया था। ये सारी अब देखते हैं कि कौन कौन क्या नॉमिनेटेड होता है। वहीं पे जब विनीत को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, वो जिस तरह से एक्टिंग कर रहा था वो बहुत ज़्यादा फनी था और वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे। कहीं ना कहीं वो बहुत अपनी फैमिली को याद करने लगे थे। जो उनको कैप्टन का वो मिला था वो दिखा के वो कैमरे में कि आई बाबा ऐसे, तो वो बहुत अच्छा लगा। वो शायद बहुत इमोशनल भी है और कहीं ना कहीं मुझे वो डरे डरे दिखे हैं। तो पहले ही दिन में इतनी सारी गॉसिपिंग हुई है, पहले ही दिन में इतनी सारी पॉलिटिक्स, इतनी ज़्यादा लड़ाइयों का पेचा बनाया गया है। तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या हंगामे होते हैं और क्या क्या ड्रामे होते हैं। कल देखना है कि ऐसी कौन सी बात मेघा ने बोली है जिस वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गए हैं और बहुत लोग आरती बहुत ज़्यादा रोए भी है। ये हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।